आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और यदि आप भी इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे इनका प्रोनंसिएशन करते हैं जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। देखते हैं आज जिन सेंटेंसेस की आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। यह हलवा स्वादिष्ट है, यह थोड़ा कठिन लगता है, यह किताब मेरी है, यह किस बारे में है, मैं इसे अवश्य पढ़ूंगा, मुझे हेलन किलर की कहानी पसंद है, टेबल पर धूल है, हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है, दूसरी पारी शुरू होने वाली है, मैं बच्चों को जानता तो हूँ, तमाशाई जल्दी चले गए, गले के हार को तिजोरी में रख दो, उसने एक दर्जन केले खाए, ये वाला उस वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं एक एक करके कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यह हलवा स्वादिष्ट है। जब किसी को हम कोई भी कुछ चीज़ खाने को देते हैं, मान लीजिए हलवा देते हैं, और वो कहना चाहता है यह हलवा स्वादिष्ट है, तो बोलेंगे दिस पुडिंग, हलवे को बोलते हैं पुडिंग, दिस पुडिंग टेस्ट्स डिलीशियस, दिस पुडिंग टेस्ट डिलीशियस, यह हलवा स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ है यह थोड़ा कठिन लगता है। जब हम किसी को कोई भी काम देते हैं और ये उसको ये लगता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, तो पहले ही से बोलने लगता है यह थोड़ा कठिन लगता है, बोलेंगे इट अपीयर्स लिटिल डिफिकल्ट, इट अपीयर्स लिटिल डिफिकल्ट, यह थोड़ा कठिन लगता है, यह किताब मेरी है। तो जनरली तो हम ये कह देते हैं दिस बुक इज माइन, या ये भी कह सकते हैं कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है। यदि जब भी बताते हैं कि यह किताब मेरी है और आप पूछना चाहते हैं कि यह किताब किस बारे में है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है। और आपको यदि कोई किताब अच्छी लगती है, भले ही आपके पास नहीं होती है, तो आप बोलते हैं कि मैं इस किताब को ख़रीदूँगा और मैं इसे अवश्य पढ़ूँगा, I will surely read this book. मुझे हेलन केलर की कहानी पसंद है। तो सभी लोग जानते हैं कि हेलन केलर जो थी वो डम्ब डीफ और ब्लाइंड थी, फिर भी उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करके अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, इसीलिए उसकी कहानी सबको पसंद होती है। मुझे हेलन केलर की कहानी पसंद है, जब वह उसने अपने नौकर को बोला कि टेबल साफ कर दो और उसने टेबल साफ कर दी, वो गया और उसने हाथ से ऐसे उंगली को टेबल को छुआ और बोला उसमें बहुत सारी धूल है, तो टेबल पर धूल है, इसको बोलेंगे there is dust on the table, टेबल पर धूल है। डियर फ्रेंड्स,
नेचर के द्वारा प्राप्त हर चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हम कहते हैं कि भेड़ से हमें दूध तो प्राप्त होता ही है, उनका मीट भी खाते हैं और हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं वी गेट वूल फ्रॉम शीप्स। शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में शीप ही होता है। जब वह एक बार उसने काम शुरू किया और फिर कुछ दिनों के बाद काम बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर से उसने काम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि दूसरी पारी शुरू होने वाली है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड इनिंग्स, इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट। सेकेंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट। मैं बच्चों को जानता तो हूँ, जब उन्होंने बोला कि आपके पास तो बच्चे पढ़ते थे या आपके पास आते थे, आप तो बच्चों को जानते होंगे, उसने बोला मैं बच्चों को जानता तो हूँ, तो इसको बोलेंगे आई डू नो द चिल्ड्रन। तमाशाई जल्दी चले गए। जब हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको तमाशा देखने की आदत होती है, यानी कुछ भी यदि गड़बड़ हो रहा है या मान लीजिए कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो उसको शांत नहीं करवाएंगे बल्कि उसका मज़ा लेंगे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं तमाशाई। तो मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि तमाशाई जो थे वो जल्दी चले गए, तो इसको बोलेंगे द ऑन लुकर्स सून मूव्ड। जो तमाशाई थे वो जल्दी ही चले गए। गले के हार को तिजोरी में रख दो। उन्होंने एक हार खरीदा और जो कि बहुत ही महंगा था, उन्होंने बोला कि इसको यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गले के हार को तिजोरी में रख दो, तो कीप द नेकलेस इन द चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है तिजोरी। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई व्यक्ति इतना खाना खा लेता है कि लोगों को बात करने का एक टॉपिक मिल जाता है। जैसे उसने बोला कि वह बहुत ही भूखा था और उसने एक दर्जन केले खाए, तो उसको बोलेंगे He ate a dozen of bananas. नेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला उस वाले से ज़्यादा अच्छा है। जब कभी हम दो चीज़ों की कंपेयर करते हैं और एक को ज़्यादा अच्छा बताते हैं तो बोलते हैं this one is better than that one। ये वाला उस वाले से ज़्यादा अच्छा है। सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस टू लर्न। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। इसी प्रकार के सेंटेंस जो है वो हम प्रैक्टिस करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेके लास्ट तक। यह हलवा स्वादिष्ट है। दिस पुडिंग टेस्ट्स डिलीशियस। यह थोड़ा कठिन लगता है। इट अपीयर्स लिटिल डिफिकल्ट। यह किताब मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। यह किस बारे में है? What is it about? मैं इसे अवश्य पढ़ूंगा। I will surely read this book. मुझे हेलन केलर की कहानी पसंद है। आई लाइक स्टोरी ऑफ हेलन केलर।
टेबल पर धूल है. देयर इज डस्ट ऑन द टेबल. देयर इज डस्ट ऑन द टेबल. हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है. वी गेट वूल फ्रॉम शीप्स. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. दूसरी पारी शुरू होने वाली है. सेकेंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट. सेकेंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट. मैं बच्चों को जानता तो हूँ. आई डू नो द चिल्ड्रन. आई डू नो द चिल्ड्रन. तमाशाई जल्दी चले गए. द ऑन लुकर्स सून मूव्ड. द ऑन लुकर्स सून मूव्ड. गले के हार को तिजोरी में रख दो. कीप द नेकलेस इन द चेस्ट. कीप द नेकलेस इन द चेस्ट. उसने एक दर्जन केले खाए. ही एट अ डजन ऑफ बनानाज. ही एट अ डजन ऑफ बनानाज. ये वाला उस वाले से ज़्यादा अच्छा है. दिस वन इज बेटर देन दैट वन. दिस वन इज बेटर देन दैट वन. तो डियर फ्रेंड, इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, जिससे इन सेंटेंसेस को आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं. तो डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये पहुँच सके. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.